हेलो स्टूडेंट, आज फिर लेके आ गया हूँ अकाउंट्स की दुनिया का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, बिजनेस है ना, बहुत सारे खर्चे करता है। किसी को कभी लैपटॉप खरीदेगा, कभी बिल्डिंग खरीदेगा, किसी को सैलरी पे करेगा, किसी को रेंट पे करेगा। तो कैसे मालूम चलेगा कि ये खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है? तो बहुत ही सिंपल है। देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट विच इज कंज्यूम विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 12 महीने का पीरियड होता है। तो अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं जिसका बेनिफिट मुझे 12 महीने के अंदर ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला, वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसा कि मैंने, अगर सपोज करो फोन का मेरा बिल आया, मैंने फोन यूज किया, महीने भर बिल आया, 1000 रुपए पे कर दिया, खत्म, बेनिफिट खत्म। 2 महीने यूज किया, बेनिफिट खत्म। द मोमेंट मैंने फोन यूज किया, उसका बेनिफिट खत्म, उसको मैं बोलता हूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एक एम्प्लॉई रखा, उसकी सैलरी है साल भर की 6 लाख रुपए, उसने मेरे यहां पे काम किया, साल भर आराम से काम किया, अब मुझे उसको पैसे पे करने हैं 6 लाख रुपए, मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट खत्म, एक साल का जो मेरा जो भी खर्चा होता है जिसका बेनिफिट मुझे अगले साल नहीं मिलने वाला, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने लैपटॉप खरीदा, 2 लाख का लैपटॉप खरीदा, अरे लैपटॉप तो 4-5 साल चलेगा ना, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि खरीदा मैंने आज है, खर्चा है मेरा रिवेन्यू, मेरा खर्चा जरूर है लैपटॉप, पर वो मेरा एसेट बन रहा है, बिकॉज लैपटॉप की लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, तो वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। मशीनरी, वो 1 साल से ज़्यादा लाइफ है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। लैंड, 1000 साल लाइफ है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। रेंट पे किया, मैं बिल्डिंग में जिसमें काम कर रहा हूँ, महीने का रेंट पे किया, रिवेन्यू, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, उसको मैं बोलता हूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, ये सिर्फ मेंटेन करता है। मैंने एम्प्लॉय रखा, वो मेरे को अर्निंग के लिए हेल्प करता है, पर अर्निंग कैपेसिटी मेरी नॉर्मली इंक्रीज नहीं करता। अच्छा, एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया जिसकी सैलरी साल की 1 करोड़ रुपए है। अरे 1 करोड़ रुपए, तो सर वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया? नहीं, वो रिवेन्यू हुआ, क्योंकि उसकी सर्विस मैंने यूज की और खत्म हो गया, बस उसको मैं रीसेल तो नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं रीसेल नहीं कर सकता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं रीसेल कर सकता हूँ। मैंने लैपटॉप खरीदा, उसको मैं बेच सकता हूँ, मैंने बिल्डिंग खरीदी उसको बेच सकता हूँ, गोल्ड खरीदा बेच सकता हूँ, बट रिवेन्यू मैंने सैलरी पे की, खत्म, उसको मैं बेच नहीं सकता। रेंट पे किया, ऑटो वाले को पे किया 100 रुपए, ये सब छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है। क्लियर है? ये जो एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अभी आपको बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, सैलरी हो गया, खाने खर्चे, बस खाया पिया खत्म, ये मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप अपने पापा मम्मी को पूछना आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। आप घर में जो आटा दाल खरीदते हो वो रिवेन्यू, रेंटल पे करते हो वो रिवेन्यू, आपके पापा मम्मी ने इस साल एक गोल्ड लिया 2 लाख का, वो रिवेन्यू नहीं है, बिकॉज गोल्ड की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसको रीसेल भी आप कर सकते हो। तो मैंने मोबाइल फोन 1000 रुपए का जो मेरा किया, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने मोबाइल फोन अगर 40,000 रुपए का पर मंथ, तो भी मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने मोबाइल फोन खरीदा 2 लाख का, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। मोबाइल फोन खुद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, बिकॉज उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, बट मोबाइल फोन का जो मंथली बिल होता है एयरटेल का, जो वोडाफोन का, वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूँ, भले उसकी सैलरी 6 लाख रुपए हो, मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूँ 20,000 रुपए, मैंने एक कंपनी में, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला 10,000 का मेरा री, मैंने खाने पीने का खर्चा किया 5,000 का, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो यहाँ एसेट में जाएगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, वो मैं आपको सब बताऊंगा। उनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है, नॉर्मली वो छोटे अमाउंट होते हैं, पर जरूरी नहीं है, नॉर्मली लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी आपको दे दिया। क्लियर है? अगर आपको समझ में आ गया व्हाट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो लेक्चर लाइक करो। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक कर सकते हो, एंड जब सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यस सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना अगर लेक्चर अच्छा लगा तो। एंड यस, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और आपको ऑसम बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।